अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। 16 दिसंबर 2012 ये दिन पूरे देश को आज भी याद होगा। इस दिन 7 साल पहले घटा यह दर्दनाक हादसा दिल्ली के लिए आज भी कलंक बन चुका है। उस रात एक चलती बस में निर्भया के साथ 6 लड़कों ने हैवानियत का खेल खेला था। आधी रात में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई थी कि एक युवक और युवती सड़क किनारे बेहोशी के हालत में पड़े हैं। सूचना मिलने के साथ ही पुलिस हरकत में आ गई। पीड़ित लड़की को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में उसकी मौत हो गई थी। इस मामले की खबर पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराते ही मीडिया में फैल गई। पूरा भारत ये खबर देख रहा था। इस मामले को जानकर लोगों का कलेजा कांप उठा था। तभी से सारा देश उन दरिंदों को जल्द से जल्द मरते हुए देखना चाहता था। इस घटना को 7 साल हो गए, लेकिन अब भी उन वैश्य दरिंदों की सांसें चल रही हैं। आपको बता दें कि गैंगरेप का 6ठा आरोपी एक नाबालिग है। इस शख्स ने निर्भया को बस में चढ़ने का आग्रह किया था। घटना के वक्त वह नाबालिग था। नतीजतन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 3 साल की अधिकतम सजा के साथ उसे सुधार केंद्र भेजा था। दिसंबर 2015 में सजा पूरी करने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। दावा है कि गैंगरेप के दौरान निर्भया से सबसे ज्यादा दरिंदगी इसी नाबालिग ने की थी। वहीं एक अन्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। सालों मुकदमा चलने के बाद कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाई। 22 जनवरी सुबह 7 बजे का दिन उनकी मौत के लिए तय किया गया, लेकिन इसके बाद दोषी मुकेश सिंह ने राष्ट्रपति के सक्षम दया याचिका लगा दी थी। दया याचिका खारिज करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया के दोषी मुकेश सिंह की उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। उसके बाद कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी किया। चारों दोषियों को अब 1 फरवरी सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। तिहाड़ जेल प्रशासन ने फांसी की सारी तैयारी पूरी कर ली है और कोई अड़चन नहीं आई तो 1 फरवरी को ही इन दोषियों को फांसी होगी। फांसी से पहले आखिरी बार बीते मंगलवार गुनहगारों को उनके परिवार वालों से मिलवाया गया। हालांकि अभी भी चारों गुनहगार फांसी से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अलग अलग कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। दया याचिका खारिज होने के बाद उसके खिलाफ मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं दूसरी ओर अन्य दोषी एक एक कर याचिका डाल रहे हैं ताकि 1 फरवरी को उनकी फांसी टल जाए। अब सवाल यह है कि क्या निर्भया के दोषी को 1 फरवरी को फांसी होगी या नहीं। इस खबर में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।